हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। क्लास 7 का हम पैरामीटर नीरा चैप्टर पढ़ रहे थे। दो क्वेश्चन हमने 11.3 के कंप्लीट कर लिए थे। आज हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। हमें पाई की वैल्यू भी गिवन है। देखिए क्वेश्चन में जो जो गिवन होता है ना, सबसे पहले आप क्या करिए वो लिख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा क्या क्या गिवन है। हमें क्या गिवन है? फर्स्टली सर्कमफ्रेंस दी है हमें, तो फर्स्टली हमें क्या गिवन है? सर्कमफ्रेंस गिवन है कितनी? 154 मीटर। ठीक है, हमें क्या बोला है? फाइंड इट्स रेडियस। हमें सबसे पहला का काम है उसकी रेडियस को फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द एरिया, देन उसके बाद एरिया भी फाइंड करना है। तो हमें क्वेश्चन में, हमने पहले से ही हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि हमें क्वेश्चन में जो गिवन होता है हमें फॉर्मूला भी उसी का यूज करना होता है। तो आपको सर्कमफ्रेंस गिवन है तो आपको सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, सर्कमफ्रेंस की जगह उसकी वैल्यू पुट है, क्योंकि हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू गिवन है। तो सर्कमफ्रेंस की जगह हम रखेंगे 154, 2 की जगह 2। अब पाई की वैल्यू बोला था कि 22/7 रखना है। आर हमें नहीं पता, आर तो हमें निकालनी है, तो आर की जगह आर ही रखे रहने देगा। देखिए हमने क्या किया, जो भी हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू होगी, फॉर्मूला आपको उसी का यूज़ करना है। फॉर्मूला यूज़ करा, उसके बाद वैल्यू पुट करनी है। उसका सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है? वैल्यूज़ को पुट करने का। सर्कमफ्रेंस की वैल्यू आपके पास कितनी है? 154 मीटर। तो सर्कमफ्रेंस की जगह 154 पुट करेंगे, 2 की जगह 2 ही रहेगा, पाई की वैल्यू की जगह 22/7 रहेगा, और आर की जगह आर एज इट इज रहेगा, क्योंकि आर हमें निकालना है। अब यहाँ से हमें आर निकालना है, तो आर किससे निकालेंगे? जो भी टर्म डिवाइड के होते हैं वो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। तो 7 डिवाइड में है तो 7 चला गया मल्टीप्लाई में है, दोनों टर्म मल्टीप्लीकेशन में है तो दोनों टर्म क्या हो जाएंगे? नीचे डिवाइड में आ जाएंगे, ऑपोजिट कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड में कर दीजिए। उसके बाद कैंसिल करने का टाइम है, आप 2 से ही कैंसिल करिए। 2 7s are 14 और 2 7s are 14, 2 से डिवाइड करेंगे। अब ये हमें पता है ये 7 और ये 11 से जा सकता है, 2 2 11 2 जा और ये हो जाएगा 11 7s are। आप कैंसिल नहीं होगा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 7 जा 49 अपॉन 2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारा जो है, हमारी जो रेडियस है इसको हमें पॉइंट्स में भी बदल सकते हैं। तो 2 2 जा 4, फिर 2 4 जा 8, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10, तो 24.5 मीटर हमारी क्या आ गई? रेडियस आ गई। तो पहला काम हमारा हो गया कि हमने जो रेडियस थी वो फाइंड कर ली। दूसरा काम है हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया अगर फाइंड करना है तो हमें किसका फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा? एरिया का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो एरिया का फॉर्मूला लगाइए, वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7। अब देखिए आर स्क्वायर है, इट मीन्स आर की जो भी वैल्यू, उसको दो बार रखना है। तो इस वैल्यू को पुट ना करके आप आर की ये वैल्यू पुट करिए। क्यों कर रहे हैं अभी वो भी पता चल, क्योंकि ये वैल्यू पॉइंट्स में है, पॉइंट्स में वैल्यू का कोई फायदा नहीं होता, आपको फिर बहुत ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा उसको। तो पॉइंट की वैल्यू से बचने के लिए आप क्या करा करिए, अपने आर को इस तरीके से फ्रैक्शन वाला टर्म लीजिए। अब कैंसिल होंगे को उन्हें कैंसिल करिए, 7 7 जो 49, 2 से करेंगे तो ये 11 सा चला जाएगा, और अब कोई टर्म कैंसिल नहीं, तो 77 × 49 एंड डिवाइडेड बाई 2, ये पिछले क्वेश्चन की तरह वैल्यू आ गई ना। तो देखिए हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें डिवाइड करना है 2 से, तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें जो पूछा गया था हमने बस उसको लिखा, पहले उसका फॉर्मूला यूज़ किया, देन फॉर्मूला यूज़ करके आर की वैल्यू निकाली, और आर की वैल्यू आ जाएगी तो आप एरिया आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया में भी आर का टर्म आता है रेडियस। तो बस एरिया का फॉर्मूला लगाना है एंड देन सॉल्व इट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। देखिए क्या बोला है, अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। ठीक है, एक जो गार्डनर है वो अपना एक सर्कुलर गार्डन है जिसका डायमीटर हमें गिवन है 21 मीटर, उसको फेंस करना चाहता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज, मतलब उसे कितनी लेंथ की रोप चाहिए जिसे वो परचेज करें। If he makes 2 rounds of fence, अगर वो 2 राउंड लगा रहा है फेंसिंग के, ठीक है, एक बार तो लगा रहा है रोप को, फिर से दोबारा से लगा रहा है रोप को। Also find the cost of the rope if its cost 4 rupees per meter.
आपको उस रोप की कॉस्ट भी निकालनी है. पहले तो ये दिखाना है कि हमने देखना है कि रोप कितनी बड़ी होगी, कितनी उसकी लेंथ होगी. तो फर्स्टली हमारा क्या काम है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है. डायमीटर कितना गिवन है, 21 मीटर. तो पहला काम तो वो है लिखने का. अब देखिए एक बात हम देखते हैं, हमारा जो सर्कुलर गार्डन है इस तरीके से है, ठीक है. अब आपको रोप लगानी है. रोप आप लगाएंगे तो आप इसके कॉर्नर यहीं तो लगाएंगे ना, चारों तरफ रोप हमेशा इस तरीके से आपने लगाया, ठीक है. चारों तरफ रोप लगानी है. तो हमेशा हमने क्या देखा है कि जब भी कोई चीज चारों तरफ लगेगी आपको क्या करना है, उसका सर्कमफ्रेंस निकालनी है. तो हमें क्या काम करना है, सर्कमफ्रेंस निकालनी है. इस क्वेश्चन में हमें दिया नहीं डायरेक्ट सर्कमफ्रेंस, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको लेंथ ऑफ रोप निकालनी है तो लेंथ ऑफ रोप का मतलब क्या होता है, लेंथ जो रोप की लेंथ होगी, और रोप क्या लग रही है, सर्कुलर के चारों तरफ लग रही है. जब भी सर्कल के चारों तरफ कोई रोप, कोई टेप, कोई स्ट्रिंग कुछ भी लगेगी, आपको हमेशा सर्कमफ्रेंस ही निकालनी है. तो सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, 2πr. अब देखिए इसके लिए तो डायमीटर है, हमें यहाँ तो डायमीटर है, हमें यहाँ रेडियस चाहिए. तो रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं. तो हमारा रेडियस आ गया. इसे सॉल्व नहीं करना है, इसे एज इट इज रखे रहने देते हैं. पाई की वैल्यू 22/7. अब यहाँ पर r की कितनी आ जाएगी, 21/2. सिर्फ क्या करिए, वैल्यू को पुट किया है. अब कैंसिल करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया. 7 3 21, 3 2 6, 3 2 6 मीटर हमारा कितनी आ गई, सर्कमफ्रेंस आ गई, ठीक है. उसके बाद देखिए हमसे एक चीज और बोली थी कि 2 rounds of fence, 2 rounds of fence का क्या मतलब है, एक बार आपने लगा दी रोप, आपको दोबारा लगानी. जैसे आपका सर्कल है, एक बार ये लग गई, यहां से शुरू करी और यहां से शुरू करने के बाद ये रोप लग गई, आपको क्या करना है, एक बार और लगानी है, दोबारा से एक राउंड और लेना है रोप का, यानी 2 rounds लेने हैं. तो ये जो हमारे पास आई है ये तो सिर्फ 1 round के लिए आई है, हमारे पास कितना है, 2 rounds of fence. तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ क्या निकालने के लिए, लेंथ ऑफ रोप निकालने के लिए हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हम 2 rounds लगा रहे हैं फेंस के. अगर आपके 4 rounds होते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो बस ये ध्यान रखना है यहाँ पर, 2 6 12 2 6 12 13. तो कितना आई हमारी लेंथ ऑफ रोप, आई ये 132 meters, ठीक है. जो सर्कमफ्रेंस होता है वही हमारी लेंथ बनती है रोप की, लेकिन यहाँ पर 2 बार लगा रहे थे हम उस रोप को, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई भी करी. देन उसके बाद क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप. हमें क्या करनी है, रोप की कॉस्ट भी निकालनी है. आपको 4 rupees per meter है, पर मीटर का मतलब है 1 meter की कॉस्ट आपको गिवन है, ठीक है. अब आपके पास देखिए कॉस्ट ऑफ 1 meter गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 meter इज इक्वल टू 4 rupees, ठीक है. आपके पास टोटल कितनी कितने मीटर आई थी रोप की लेंथ, 132. तो आपको तो उसी का ही निकालनी है ना. तो कॉस्ट ऑफ 132 meter रोप इक्वल टू, आप देखिए कभी भी 1 की क्वांटिटी की वैल्यू दी हो, ज़्यादा की पूछी हो, तो क्या करनी होती है, हमेशा मल्टीप्लाई करनी होती है. मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8, 4 3 12, 4 1 4 1 5, ये आ जाएगा रुपीज़, 528. तो बस हमने क्या किया था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सर्कमफ्रेंस निकाली. सर्कमफ्रेंस निकालने के बाद हमने क्या किया, उसकी 2 से मल्टीप्लाई करी, क्योंकि हमें 2 बार फेंस करना है. उसके बाद कॉस्ट निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, जो भी हमारी पर मीटर वाली कॉस्ट थी उससे हमने क्या किया, अपनी जो भी लेंथ आई थी रोप की उसकी मल्टीप्लाई कर दी. तो हमारा आंसर आ गया. आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ. From a circular sheet of radius 4 cm, आपके पास एक सर्कुलर शीट है जिसकी रेडियस है 4 cm. A circle of radius 3 cm is removed. मतलब क्या है, यहाँ पर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, इस तरीके से. अभी हम बना के देखते हैं, 5th क्वेश्चन है हमारा. हमारे पास क्या बोला गया है, एक सर्कुलर शीट है जिसकी रेडियस है 4 cm. तो हम यहाँ बना रहे हैं एक इस तरीके से, हमारे पास सर्कुलर शीट, इसकी हम रेडियस लिख लेते हैं यहाँ, इसकी रेडियस है 4 cm, ठीक है. मतलब हमारे पास एक सर्कल बन गया ये. उसके बाद हमसे एक चीज़ और बोली गई है कि हमारा इसमें एक दूसरा सर्कल भी है जिसकी रेडियस कितनी है, 3 cm, उसे रिमूव किया है. रिमूव करने का मतलब है उसे निकाला है. तो जो 3 cm का सर्कल होगा वो इसी के अंदर ही तो होगा, क्योंकि ये 4 cm है. 3 cm का सर्कल इससे छोटा बनेगा, इट मीन्स वो सर्कल क्या है, इस तरीके से इसके अंदर है, और इसे क्या कर दिया हमने, रिमूव कर दिया, इसे मतलब निकाल दिया है.
रिमूव, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, जो शीट अब बची है आपके पास आपको उसका क्या करना है, एरिया निकालना है. शीट कौन सी बची है हमारे पास, ये वाली शीट बची जो हमारे पास खाली ब्लैंक है, उसका हमें क्या करना है, एरिया निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपके पास आउटर मोस्ट सर्कल भी बना, एक इनर मोस्ट सर्कल बना, दो सर्कल बन गए. अगर आप क्या करें, हम इसका एरिया निकालेंगे जो हम मैंने ये शेडेड ये डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट करा, इसका एरिया निकालना है आपको. तो अगर आप आउटर मोस्ट एरिया में से इनर मोस्ट सर्कल के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास आउटर मोस्ट सर्कल की रेडियस भी है और इनर मोस्ट सर्कल की रेडियस भी है, तो हम दोनों का एरिया तो निकाल सकते हैं ना. तो पहला काम हम पहले वो कर लेते हैं, तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ आउटर सर्कल. जो आउटर सर्कल का मतलब जो बाहर की तरफ वाला सर्कल है, तो जो बाहर की तरफ वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं. तो एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू इसमें 3.14 है, तो हम इसमें 3.14 ही रखेंगे. आर की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई 4, 4 जो है कितना हो जाएगा 16, और 16 की इसके क्या साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, 16 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा, साइड में कर लेते हैं, 3.14 की 16 से करनी है, 6 4 जो 24, 6 1 जो 6 टू 8, 6 3 जो 12, 1 से करेंगे 4, 1 3 एज इट इज आएगा 4, 12, 2 में 1 प्लस किया 3, 3 में 4, 3 और 1 4, कितना आ जाएगा इसका जो मल्टीप्लाई करके है, 4 4 2 4, पॉइंट दो डिजिट के पहले लगाया तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. ये तो हमारे पास क्या आया है, एरिया आया है सिर्फ आउटर सर्कल का. उसके बाद हमारे पास क्या है, देखिए इनर वाला सर्कल है, इसका सर्कल का एरिया भी निकालना है, तो हम निकालेंगे अब एरिया ऑफ इनर सर्कल, जो अंदर वाला सर्कल है, इनर सर्कल मतलब अंदर वाला सर्कल है. एरिया का फॉर्मूला तो वही रहेगा पाई आर स्क्वायर, वैल्यूज चेंज हो जाएगी, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई. अब देखिए इनर वाले सर्कल की रेडियस हमें कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल बनाया ना, ये अंदर जो बना ये है 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल, तो हमने क्या रखनी है, इसकी रेडियस 3 रखनी है. तो 3 × 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3 = 9, 9 से करेंगे 9 × 4 = 36, 9 × 9 = 10, 11 = 12, 9 × 3 = 27 और 1 = 28, और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखिए हमारे पास इनर वाला सर्कल का एरिया भी है और आउटर वाले सर्कल का एरिया भी है, तो अब क्या काम करना है, आपको निकालना है कि ये जो बचा वाला पोर्शन है इसका एरिया. तो कैसे, अगर आप बाहर वाले एरिया का निकालोगे, ठीक है, बाहर वाला सर्कल जो है वो इस तरीके से है, उसका एरिया तो ये होगा, उसके अंदर एक छोटा सर्कल है इस तरीके से, तो अगर बाहर वाले सर्कल में से ये जो छोटा सर्कल है इसे हटा दो, बिल्कुल हटा दो का मतलब है इसके एरिया को माइनस कर दो, तो जो बचा वाला एरिया बचेगा यही तो बचेगा जो अनशेडेड है. ठीक है, ये सर्कल इनर सर्कल है जिसकी 3 थी रेडियस, ये आउटर सर्कल थी जिसकी 4 थी, तो हमने पहले दोनों का एरिया निकाला. उसके बाद हमें इसका रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इक्वल टू आउटर मोस्ट का था 44.24 माइनस इनर वाले का निकाला था 28.26. माइनस करते हैं, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8, यहाँ पर बचेगा 1 का 11 बन जाएगा, 11 में से 2 माइनस करेंगे 9 पॉइंट, यहाँ पर 3 आएगा, 3 से 8 तो नहीं होगा, 13 आ जाएगा यहाँ पे, 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 5 6 7 8, यहाँ बच जाएगा 5, यहाँ 4 है तो यहाँ चाहिएगा 3, 3 में से 2 माइनस किया 1, तो हमारा कितना आंसर आया 15.98 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे क्वेश्चन दिया वैसे आपको वैल्यूज पुट करनी है. बस क्वेश्चन में ये समझना था कि जिस सर्कल को भी रिमूव करना होता है ना हमें, उसके एरिया निकाल के माइनस कर देते हैं, बस ये ध्यान रखिए. हमें इसमें कौन सा वाला सर्कल रिमूव करना था, 3 सेंटीमीटर वाला, तो आपको क्या करना है, दोनों का एरिया निकाल के जो रिमूव करना है उसके एरिया को माइनस कर दीजिए. तो 4 सेंटीमीटर वाले एरिया में से 3 सेंटीमीटर वाले एरिया को क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया. तो आज हम 5th क्वेश्चन तक ही करते हैं, 6th क्वेश्चन से हम कल स्टार्ट करेंगे.